श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल प्रीति सेठी, श्री सुभाष सुमन सेठी, श्री सुशील संध्या सेठी एवं समस्त सेठी परिवार। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। आपने देखा होगा घर में या और अन्यत्र, घी रखा था भुगोनी में, उसके ऊपर से दूध डाला 2-3 किलो। तो वह घी नीचे का ऊपर आया, उस पर दूध ने हंगामा किया। नहीं समझे? उसने कहा कि हमारे भीतर से आकर के अब हमारे ऊपर भी ऊपर ही आप अपना शासन चलाते हो, हम इसको नहीं होने देंगे। और इस प्रकार बोल करके वो पूछना चाहता है, इसका उत्तर दो जल्दी जल्दी। आप हमें दबाना चाहते हो? बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर उन्होंने दूध डाला, तो दूध को ही ऊपर रहना चाहिए था। अब ये डाला ही नहीं और ऊपर आ गया वो और बैठ गया। हमें दबाना चाहते हो? तो घी ने धीरे से उत्तर दिया, भैया हम आपको क्यों दबाए, हम आपको क्यों दबाए? आप हमें दबाना चाहो तो दबाओ। आप सुन रहे हैं? आप हमें दबाना चाहो दबाओ, अपना आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ जाओ आप। दूसरी बात यह है, मैं ऊपर तो आकर के बैठ गया हूं, लेकिन मेरे पास भार है क्या? नहीं, ये तक आप नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको बचाना दबाना तो दूर, किंतु मेरा वजन क्या है यह आपको अभी मालूम नहीं। मैं भारी तो हूं, क्योंकि लोग मुझे सेवन करते हैं तो पुष्ट हो जाते हैं, भारी भरकम बन जाते हैं। नहीं बनते? सही बताओ ना, बचे ना। तो अब ये बताओ, जो भार रहित हो करके भी दूसरे को भारी बना देता है, शक्ति प्रदान करता है उनको, और आप ये 2-3 किलो हो करके भी कहां शक्ति पैदा कर रहे हैं? इसीलिए दूध कहता, दूध से भी घी जो है भारी नहीं होकर के भी वह गौरव प्राप्त करा देता है। इस रहस्य को आप समझो, किसी को हम दबा नहीं रहे हैं, किंतु हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव को आपको देखना है। हम
सबकी नासिकाओं को भी क्या कर रहे हैं बताओ, तृप्त करा रहे हैं अपनी सुगंधि से। हाँ, कहीं भी वह रखो उस घी को, बंद करके भी रखो तो भी बाहर उसकी गंध आ ही जाती है। और आप लोग इतने 3-3 किलो के हो करके भी नहीं समझे, फिर क्या हो रहा है? न गंध है न और कोई विशेषता है। बात तो ठीक है, लेकिन हमें तो आपने मिटा दिया, क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा, और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दूध में भी घी रहता है और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध तपा लिया जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं, छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे, और वृद्ध भी कहता भले पानी मिला दो दूध चाहिए, नहीं। हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो, यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काहे के जला रहे बताओ, घी का। इसलिए पूज्य की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। और आप उसको जाकर के देखो, उस लोटे में या भगोने में घी रखा है, घी भरा है, तरल हो, उसमें झुक करके देखोगे तो आपका दर्शन स्वयं का भी वह आपको करा देगा। करा देगा कि नहीं, कभी देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, यदि वह घी जम गया तो उससे वह नहीं दिखेगा। इसलिए ध्यान रखो, अपने यहां भी ऐसा ही है, समोसरण में बैठे हैं, लाखों में करोड़ों में है मान लो महाराज, किंतु पूर्व कोटि आयु वाले दादाजी उन्हीं के वो भी बैठे हैं और नाती भी आकर के वहीं पर बैठा, और लोग पूछते हैं अरे ये तो दादाजी तो ठीक था, लेकिन नाते तो ये 7-8 साल का है, ये क्यों बैठा? सुनो, इसलिए बैठा मुनियों की सभा में, उसको भी रिद्धि प्राप्त है, समझे? समोसरण में ये विशेषता है, पूर्व कोटि वाला पीछे रह गया, उनके जो पिताजी थे वो भी पूर्व कोटि आयु वाले थे, लेकिन अभी वह श्रावक बन करके ही बैठे हैं। दादाजी बेटे तो हैं लेकिन उनके पास रिद्धि नहीं है, और नाती क्या कहता है पोता, वो कहता है कि रिद्धि है, और
उठ करके वह अपने आप ही आकाश मार्ग से चला जाता है समोसरण की वंदना करके। सारे के सारे लोग देखते रह गए, ये किसका फल है बताओ? ये उम्र का फल नहीं है, किंतु यह एक प्रकार से उसकी आंतरिक साधना का फल है। आप लोग जी तो रहे हो, जीवन जी तो रहे हैं, किंतु उस जीवन में कुछ ऐसी साधना भी करो जिसके द्वारा दोबारा जीवन धारण करना न पड़े। वह क्या जीवन है जिसके पीछे मृत्यु जुड़ी हुई है? मृत्यु के सामने सब लोग कपने लग जाते हैं, उसकी आकांक्षा कोई नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे इस रहस्य को समझते हैं, वे अपने जीवन को जीते हुए ऐसी साधना में उतारते हैं जिसके द्वारा दोबारा जन्म लेना समाप्त हो जाता है। अपने यहाँ दो प्रकार की मुक्ति मोक्ष कहा है, एक जीवन मुक्ति और एक कर्म मुक्ति। कर्मों की मुक्ति बाद में होती है और जन्म से मुक्ति पहले होती है। अब जन्म धारण नहीं करना है, किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत भी साधना और शेष रहती है। उस साधना में भी उनको सफल होना है और वह चार अघातिया कर्मों का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। उसको वास्तविक मुक्ति बोलते हैं। उससे पहले जो जीवन मुक्ति थी उसको हम वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी अपना साधना शेष रहती है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है। एक व्यक्ति तो बोरी में पैसा भर करके ले आता है, अब एक व्यक्ति ऊपर की जेब में ले आता, उससे भी कई गुना इस जेब में है। किसे कह रहे हो महाराज? वो तो बोरी भर करके ले आया, उठाओ उसको, बोरी भर करके उठा। ये इसमें हीरे के नग हैं तीन चार, और वह बाजार को ही हिला देती। अरबों कीमती वाला इसमें रहता है। हम ऐसी साधना करें अब बोरी उठाना न पड़े। अब बोरी उठाए, बोरी में मान लो रोकड़ भरा, क्या मंचा चला? चिल्लर चिल्लर पार्टी। रोकड़ को उसके उसी को बोलते हैं। हाँ, तो अब उसको लेकर के क्या कर रहा? एक हमाल को बुलाओ और उसको उठाओ। उठा भी दे तो सिर पर रख नहीं सकते, बहुत भार है। लेकिन ये जो है ऊपर के जेब में रखे है, थोड़ी सी पुड़िया में है, और वह बाजार को भी हिला देता है और जीवन को वह बहुत एक स्तर दे देता है। हमें ऐसी साधना करना है जो सब लोग देखते रह जाए। भगवान को भी गौण कर सकते हैं, किंतु आठ वर्ष अंतर मुहूर्त के उस मनोज महाराज को देख करके यदि उसको
रिद्धियां प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या, देखते देखते आसमान में लीन हो जाते हैं। ऐसी साधना कैसी हुई है? ये भीतरी साधना है, बाहर से नहीं। इस प्रकार अपने आप को अधर में रखते हुए और वहां पर इतनी तेजी के साथ चला जाता है, सेकंड नहीं लगता, वह यहाँ से समूह शरण में पहुंच जाता है, समूह शरण में अन्यत्र और पहुंच जाता है। यह सारी साधना का एकमात्र आंतरिक साधना का पद है, इसलिए आप लोगों को कम समय में बहुत बड़ा काम करना है, उससे आपको शक्ति का अनुमान नहीं, साक्षात्कार होगा उस शक्ति से, ऐसी आत्मा के साथ शक्ति है। किंतु कषाय यदि करते हैं तो हम उस साधना से वंचित हो जाते हैं और बाहरी संसार के ही वृद्धि हम अपने भावों के द्वारा कर लेते हैं। इसलिए आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, ये समझे, और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं कराए। अहिंसा परमो धर्म। भगवान की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की सुनो, सूर्य के प्रखर किरणों से जो वृक्ष मुरझाने की ओर हो जाते हैं, म्लान हो जाते हैं, सूखने को हो जाते हैं, और उनको क्या आवश्यक है उसके अभिव्यक्ति भी वो नहीं कर पाते हैं, वह बोल नहीं सकते, वो किसी को उस प्रतिकार के लिए सहयोग की आंछा वांछा चाहते तो होंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका कोई भी सक्रिय सहयोग उसे मिल नहीं पाता। एक स्थान पर चित्र देखा था, छोटे भाई और बहन अपने हाथ में छोटे ही कलसी सही पानी की और दोनों मिलकर के उसके ऊपर धार दे दी, फिर क्या कहना, क्या हुआ बताओ, फिर क्या कहना, एकदम उस वृक्ष के छोटे पौधे के सब पत्ते हरे तो थे ही लेकिन मुरझाने की ओर थे, उसका नया जीवन सा मिला। बच्चों के मन में उल्लास तो था ही, माता पिताओं का, अड़ोस पड़ोस का सहयोग भी रहा, प्रोत्साहन भी रहा, बच्चों को भी वह अच्छा लगा। ये अब रोएंगे नहीं, ये अब रोएंगे नहीं, किंतु मुस्कान लेते रहेंगे। लू भी चली तो वह अब वृक्ष के पास आकर के वह लू भी ठंडक का अनुभव करती है, यह निश्चित है। हवा में भी एक प्रकार से तड़पन होती होगी। वृक्षों के पास आने के उपरांत
उन्हें शीतलता मिल जाती है। बड़ा पौधा हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, तो वृक्ष स्वयं बुलाने लग जाएगा किनको, राहगीर को, अरे भैया धूप बहुत है, लू चल रही है, थोड़े से बैठ जाओ। कहाँ पर बैठ जाओ? लू में। हाँ, तो वृक्ष भी बुलाता है, आप इसको समझे या न समझे, क्योंकि उसकी छाया में आप बैठ जाते हैं। उसमें कितने जीव होंगे पता नहीं, किंतु वो बड़े होने के कारण उस वृक्ष के द्वारा दूर दूर तक वह छाया पहुंचती है। लू भी आकर के वहाँ पर अपने आप ही शीतलता में डूब जाती है, उसका भी अभिषेक हो जाता है। ये सब कुछ उसके लिए सहयोग देने का फल है। आप लोग भी यदि आपस में इस प्रकार कार्य करेंगे, निश्चित रूप से जड़ों में भी एक प्रकार से स्फूर्ति आ जाएगी। अब जड़ सूख नहीं पाएंगे, किंतु वह भी उस वृक्ष के रक्षा के लिए खोज में निकलेंगे, राशन पानी आदि पाएंगे। इस प्रकार जीवन यापन करते समय कष्ट के बदले में प्रसन्नता का, एक संवेदना का अनुभव हो जाता है। इसलिए बच्चों को पाठ दिया जाता है कि पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में, कि वृक्षारोपण अपने जीवन में जितना करोगे उतने ही आप लोगों के जीवन में शांति मिलेगी। ये पालन शब्द, ये पोषण शब्द अपने आप में जीवन की रक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसे पाठ देना चाहिए बच्चों के लिए, जिसके द्वारा केवल अपने ही घर का नहीं, किंतु औरों के घर के बारे में भी वो सोचने लग जाए, उनके लिए भी कुछ ऐसी छाया बनाने की आप लोगों के मन में भावना उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, ये बीच बीच में तो आप लोग ताली बजाते हैं ना, इससे भी कुछ होता तो होगा। लेकिन ज्यादा नहीं बजाना चाहिए, तो उससे जिस समय ताली बजाते हैं उस समय स्वयं के भावों में भी ज्वार भाटा जैसे समुद्र में उठते हैं, वह अवश्य उठते हैं, और कानों में जाकर के वह दूसरे के लिए भी प्रेरणा देते हैं। सुख के घड़ियों में आप भी शामिल हो जाओ। बिल्कुल, आचार्यों ने इसके लिए इसलिए कहा, घंटा ध्वजा परिवार विभूषते भ्यो, ये मंदिर वगैरह में घंटा लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर ध्वजा आदि फहराए जाते हैं, झालर बजते रहते हैं, नू पर गूंजते रहते हैं, और वहाँ पर पूजन होती रहती है। जो करने वाले हैं तो उनको उतना आनंद मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, किंतु देखने वालों को बहुत ही आनंद आता है। हमें भी उत्साह होता है,
जब श्रोतागण समझदारी के साथ सब सुनते रहते हैं और वो संस्कार लेकर के जाएंगे, इस प्रकार के उच्च कार्य, पावन कार्य, जो कि अपने लिए भी बहुत ही उसमें हिस्सा मिलने वाला है। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें दूसरों को भी हिस्सा पहुंच जाता है, मिलता है। इसलिए आज से आप लोग प्रसन्नता के क्षण सबके लिए प्राप्त हो, ऐसे मन में भाव तो कर सकते हैं। क्षेत्रों के निर्माण में आचार्यों का कहना है, क्षेत्र वहाँ पर बनने के उपरांत और बनाने से पूर्व में वहाँ पर वृक्षों का और वो भी फलदार वृक्षों का आरोपण के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर दया का पालन और दूसरे के कष्टों को दूर करने के वह साधन बनाए जा रहे हैं। जो एक प्रकार से पूजन जो करता है उसके लिए अभी यह आवश्यक है, घंटा बजती रहे, झालर बजते रहें और घंटियां छोटी छोटी वह भी अपना निनाद सुनाते रहें। ये सब वातावरण होने से जो पूजन नहीं करता है, जो दर्शन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, उसका भी मन प्रफुल्लित होकर के इन कार्यों में कुछ समय निकाल सकता है। जिससे एक तो तपस्वी श्रमण होते हैं उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई तप धारण करता है तो प्राथमिक दशा में उसे ध्यान के स्थान के लिए भी यही बात कही गई है। वहाँ ध्यान अच्छा लगता है जहाँ पर बाग बगीचा वगैरह होते हैं, घूमने के लिए जैसे आप लोग होते हैं चले जाते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए सुबह सुबह बगीचों में जाते हैं तो उनका मन अपने आप ही उस पाठ में लग जाता है। उसी प्रकार वहाँ पर सुगंधित सब वातावरण होने से मन अवश्य ही लग जाता है और वीतराग बिंब उसके सामने रहता है। ये सारे के सारे वातावरण परिसर बनाने से उसके उत्साह में अनेक गुना विकास हो जाता है और मन लग जाता है तो विशुद्धि के स्थान उसके बढ़ने लग जाते हैं। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है, किंतु संक्लेश परिणाम के साथ बैठोगे तो मन खेद खिन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे वहाँ पर स्तुतियों का पाठों का करते रहते हैं जिसके अर्थ थोड़ा भी समझ में आ जाए तो अपने आप ही ठीक। देखो तापत्रय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु को, जब जल चढ़ाते हैं आप लोग उस समय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय, क्या बोलते हैं आगे, जलम निर्वपामीत स्वाहा, इन शब्दों में रस आ जाता है, इन शब्दों में उत्साह आ जाता है। अरे पंक्ति छोटी नहीं है, ये तो जन्म जरा मृत्यु के नाश की बात कर रही है और हम तापत्रय से घिरे हुए हैं, तो ये अर्थ यदि दिमाग में आ गया तो विशुद्धि और दिन दोगुनी और रात चौगुनी। ये महाराष्ट्र है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा इनको, दिन दोगुनी है तो रात चौगुनी है, ऐसा नहीं खुर्राटे लेते रहो आप, रात में भी दिन के अपेक्षा से सब शांत होने के कारण आचार्यों ने कहा दिन में ध्यान कम होता है
और रात तो अपनी ही रहती है। 14 घंटे की रात में तो कहना ही क्या, जितना आप चाहो उतना विकास विशुद्धि में होता चला जाता है और पता नहीं लगता। दिन की 1 घंटा भी रात के 4 घंटे निकलने में सुविधाजनक हो जाता, पता ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकाश तक नहीं रहता। जिस समय हम एकाग्र और विशुद्ध स्थानों को पूर्ण चढ़ते हुए चले जाते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, चारित्र के विकास के लिए आचार्यों ने विशुद्ध स्थान को बहुत ही बड़ा स्थान दिया है, जिसके माध्यम से वह मिथ्यात्वादी सब कर्मों को नष्ट करके ऊपर चढ़ जाता है। विकास के सोपान जब चढ़ने लग जाते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है और उस समय नीचे न देख करके ऊपर ही देखता चला जाता है। उससे उसको लगता है कि अब हम स्थान तक पहुंच रहे हैं। कौन से स्थान? उच्च स्थान जिसको बोलते हैं। फिर इसके उपरांत न नीचे आना होता है और न ही और आगे बढ़ना होता है, शांति के साथ रहना होता है। इसलिए हमें इन विशुद्धियों को बढ़ाने के लिए स्थानों का भी निरीक्षण करना आवश्यक होता है। यहाँ पर बैठे हैं आप लोग सुन रहे हैं तो सब कुछ भूलने में आ जाता। यदि बिठा दिया जाए धूप में, आप तो सुन लो हम छाया की बात कर रहे हैं, तो आपको सुनने में सुविधा नहीं होगी। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप साथ थोड़ी सी व्यवस्था ले आते तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तो फोल्डिंग व्यवस्था होती है ना, साथ ले आओ करो। नहीं, आपको ये चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था दोगे तो अवश्य ही हम आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के उपरांत यदि मन लग गया तो आप बिना मांगे भी हम दे देंगे। इस प्रकार यह देने की बात भी, जो गांठ लगाने की बात थी वह गांठ खोल करके वो देना भी पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं भी हो तो हम कोशिश करेंगे और उसको जुटाएंगे। ऐसे भाव अपने आप होने लग जाते हैं। किसी किसी को खाने में आनंद आता है तो किसी किसी को खिलाने में आनंद आता है। हमारे लिए तो हमेशा हमेशा शिकायत मिलती है और हम भी उस शिकायत को बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार कर लेते हैं। उस स्वीकारता से अपने आप ही स्व और पर का उत्साह बढ़ जाता है। इतना ही पर्याप्त है। अब आगे 11 तारीख को, जो कि रक्षाबंधन का दिवस आ रहा है, जो आपने आवेदन पत्र को बांटा था उसका काम भर्ती करने के अपेक्षा से सुनते ही प्रारंभ हो गया है और वह तीव्र गति से बढ़ने का भी एक प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ के कमेटी अथवा यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप ही अब व्यस्त हो जाएंगे। नहीं समझे, दूसरे लोग वह महोत्सव मना लेंगे और आप उस मनाने के लिए नींव का काम अवश्य करेंगे, ऐसा भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यह आप लोगों को सुनने को मिला होगा समूह चरण में, कोई
नेत्रहीन नहीं होता। यदि नेत्रहीन पहले था तो उसे नेत्र की उपलब्धि हो जाती है। पैरों से लंगड़ाता था, उसे समूचरण में आने के लिए जो सीढ़ियां लगती है, कितनी हजार, 20,000 सीढ़ियां चढ़ना, सोचता होगा अब मैं कैसे चढ़ूं। लेकिन जो ही प्रथम पैर प्रथम सीढ़ी पर रखता है तो वह जैसे और कोई भी चला रहा हो और वह ऊपर पहुंच जाता है। ये किसका आश्रय है? यह समोचरण का। और भी जो कोई शरीर में कमियां हो वो सारे के सारे उसकी कमियों को पूर्ण कर दिया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि जो ये मंत्र सिद्धि इत्यादि के माध्यम से भी ये चमत्कार देखने को उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु समूचरण में जो होता है वह एक प्रकार से उसका अतिशय है। वो मंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं किंतु वहाँ का वातावरण ही ऐसा रहता है, कोई किसी प्रकार की उसे परेशानियाँ नहीं होती। इसके उपरांत भी सभी को सम्यक दृष्टि मिले इसका कोई भी नियम नहीं रहता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो वहाँ तक पहुँच करके भी उसके बाहरी वातावरण से ही प्रभावित हो जाते हैं, किंतु भीतर उन्हें प्रवेश होते हुए भी प्रवेश नहीं कर पाता है। यह उसकी रुचि की बात है। ऐसा क्यों होता है? यदि ऐसा नहीं होता तो सबको सम्यक दृष्टि बनाने में क्या बाधा थी? किंतु सबको सम्यक दर्शन का लाभ नहीं मिलता, किंतु भव्यों को ही मिलता है, यह निश्चय है। अभाव्य सब कुछ कार्य कर सकता है लेकिन भीतरी धारणा में उसको यह बात नहीं आती है। सुख हमें मिल सकता है, मिलता है, किंतु वह सुख इंद्रिय सुख को ही मान करके चलता है। आप लोगों को महाराज आशीर्वाद दे दो। कई लोग कहते हैं सभी साता बनी रहे। किसको साता बनी रहे? आशीर्वाद देने वालों को या लेने वालों को? दोनों को। अच्छा, मतलब आप लोग अपने स्वयं की साता के लिए मुनि महाराजों को साता मिले ये भाव कर लेते हैं। निरंतराय आहार हो, बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति अविरल रूप से अंतराय कर्म का बंद करता रहता है तो हमारा अब आशीर्वाद वहाँ पर तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अंतराय कर्म का बंद कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तब ज्ञात हो जाता है जब अंतराय हो जाता है। अब स्थिति ऐसी है कि समूचरण में जाने के उपरांत भी हमें क्या प्राप्त करना है,
वह महत्वपूर्ण है। वह 8 वर्ष के बच्चे को भी हो सकता है और 80 साल के वृद्ध को भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो यह उसकी धारणा के ऊपर आधारित। कुछ अभावी भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सुनते हैं अभावों को एक अलग ही स्थान मिलता है, उसी में वे रम जाते हैं। बाकी सब लोग भीतर भी प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, पार्श्वनाथ भगवान की मुकुट सप्तमी तो हो गई है, अभी कमठ भी वहीं पर समूह चरण में गया। कई लोगों ने देखा होगा ये वही कमठ है, करवट है वो। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही उन्होंने उपसर्ग कर दिया। 7-8 दिन, 1 हफ्ता तक सभी प्रकार के उपसर्ग किए। उसमें एक बहुत भयानक उपसर्ग जो कपकपी लाता है, क्या है कि लोह को तपाने के उपरांत लोह काला नहीं रहता किंतु लाल सुर्ख हो जाता है और उसका रस हो जाता है। गन्ने का रस को तो पेल करके पी लोगे, किंतु लोह के रस को पीना तो दूर, हाथ भी लगाना भयानक होता है। इसका वो अभिषेक कराता रहा, फिर भी प्रभु को कुछ भी नहीं हुआ। सोचता तो होगा कमठ, ये कैसा है व्यक्तित्व है, ये लोह लक्कड़ का तो नहीं है, ये शरीर तो हमारे जैसा दिख रहा है। किंतु फिर भी वैर के कारण वो करता रहा। अंत तो गत्वा साधना का फल उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसी परिस्थिति में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ? उत्क्षपक श्रेणी मणि बड़ा अद्भुत सा लगता। केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुहूर्त के भीतर समूह शरण की रचना हो गई। सब लोग अपने अपने कोठियों में बैठ गए और वहीं पर जाकर के कमठ भी एक स्थान पर बैठ गया। कमठ की ओर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं उसको। पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कौन कारण बना? तो कमठ ही बना। कमठ यदि परीक्षा नहीं लेता तो कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। और उसे भी सुनते हैं सम्यक दर्शन का लाभ हुआ। सोचो, उसके पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका होते हुए भी पूर्व में बंधे हुए कर्म वैर के कारण प्रतिशोध का भाव लिए और उन्होंने इस प्रकार का काम किया। लेकिन समता को देखी, वीतरागता की महिमा को देखी और इस समता के साथ सभी लोगों के लिए जो आशीर्वाद, वही अब उसके लिए भी आशीर्वाद। ये नहीं कहा कि हमारा समूह चरण है तो मुरझाया चाहिए, उत्साह से तुम इसके पात्र नहीं है। वो कहता है कैसे नहीं पात्र है,
आप तो तीन लोक के महापात्र है, और आपके चरणों में मैं बैठा हूं, मुझे तो कोई कुपात्र कह ही नहीं सकता। ये बात अलग है, मैं सबसे जघन्य पात्र हूं। भाव ऐसे ही होते हैं। धन्य है ये साधना, और धन्य है जिनको गुण की प्राप्ति होती है। प्रथम गुणस्थान से वह चौथे गुणस्थान में आ गया, चार सीढ़ियां उसने चढ़ी। मुक्ति के लिए 14 सीढ़ियां होती हैं, और एक सीढ़ी से पर तो हैं ही सब लोग। एक सीढ़ी भी आगे बढ़ गया तो वह भव्य तो है, किंतु वह सम्यक दृष्टि भी है, ये निश्चित होता है। आप लोग बहुत बड़े उत्साह के साथ आते हो, भीतर के उत्साह को और बढ़ाओ कि हम भी सुदृष्टि बने, मेरी आंखों में भी वह समीचीनता आए जिसको मैं अपने उपयोग में करूं तो भगवान का स्वरूप का बोध हो जाता है। केवल भगवान को देख करके अब ये भगवान है यह विश्वास तो करें, किंतु उनके अंग उपांगों में क्या लहर बह रही है, एक एक शरीर के एक एक भाग में, अंग और उपांग में बीज रागता टपक रही है। किसी से भी राग का भाव उत्पन्न नहीं होता, किंतु उनके पास बैठने के उपरांत भी रागातिरेक किसी को भी नहीं होता। वैर भाव का स्मरण हो या न हो, किंतु वह वैर भाव को ही भूल जाता। सर्प और नोला एक साथ बैठ जाते हैं, सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। ये किसका अतिशय है, तो उस वीतरागता का अतिशय है। उन्हीं को यह वीतरागता दिखती है, वो देखने की चीज नहीं है, उसको मान्यता ही प्राप्त होती है। इस मान्यता से अपने आप ही प्रभु के सामने देखते देखते अपने भी आंख बंद हो जाती है, और सोच में यह बात आ जाती है कि क्या साधना का फल है। आप लोग भी साधना का फल चाहते हो? हाँ महाराज, दे दो हमारे लिए भी। सुनो, मुझे देने से पूर्व हमें भी मिल जाए तभी तो मैं दूंगा। बांटना तो तब संबंध है जब स्वयं के पास हो। आप लोग सारे सारे आकर के मांगते हैं तो हम क्या मांग क्या दे बताओ? आप आखिर क्या चाहते हैं महाराज? हम सुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख को मिटाना रास्ता बता दो। दुख मिट जाएगा तो सुख तो मिल ही जाएगा, रोना बंद हो जाएगा तो मुस्कान अपने आप ही आई जाएगी। हम देखते हैं आप लोग सारे सारे मुस्कान के साथ ही हमेशा आते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी आप रोते भी बहुत हैं। कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय, कौन सा कर्म का उदय? ये कर्म का उदय है तभी तो रोना हो रहा, लेकिन प्रभु के सामने रोना भी बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल, वाणीम गदगद यन वपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकुलयन। हाथ को जोड़ रहा है,
मस्तिष्क को झुका रहा है और सारे सारे परिवर्तन हो रहे हैं, आंखों में से आंसू टपकते हैं। वैसे ही आंसू बहाते रहते हैं आप, आपको तो अभ्यास ही हो चुका है, तो हम भी समझते हैं कि भैया इनको रोने का अभ्यास हो गया है तो प्रभु के सामने भी रो ले तो बहुत अच्छा है। कभी कभी बच्चे रोते हैं, उसको चुप बताने के लिए कोई कोशिश करते हैं, नहीं मत बताओ, अरे रोने दो। रोने से एक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। जो बच्चा रोता नहीं तो उसके बारे में चिंता अभिव्यक्त की जाती है, ये रो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये रुलाना बंद मन नहीं करते आप लोग? नहीं मत करो, क्योंकि यदि वह नहीं रोता है तो उसकी गाल चोटियां जैसे यू उसके अपने आप में रोने लग जाता है, फिर बाद में पुचकार लेते हैं और ठीक कर लेते। ये आवश्यक है, इसलिए भगवान ने ये कहा वाणीम गदगद अनुभव, कंठ अवरुद्ध हो जाए, बोला नहीं जाए और आंखों में से पानी अपने आप ही आ जाता है। पानी को उस आंसुओं को क्या प्रशिक्षित किया है? प्रशिक्षित नहीं, भीतर की करुणा, भीतर के पश्चाताप की अग्नि के कारण अपने आप ही पानी आ जाते हैं। और जो कठोर हृदय वाला होता है उसकी आंखों में से पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है तो वह निर्दयी है क्या? ऐसा नहीं है। आंखों में से पानी नहीं आता है, निर्दयी नहीं है, किंतु दो तटस्थ हो करके देखता है, उसकी सारी सारी क्रियाएं अपने आप ही रुक जाती है और वह चिंतन में डूब जाता है। ऐसा अकेला सम्यक दर्शन भी होता है तो भी इसकी महिमा ये बताई गई है। फिर रत्नत्रय के साथ होता है तो कहना ही क्या है। भगवान चाहते हैं तीन लोग के नाथ आप भी बनो, बनने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन हमारी धारणा उसी ओर चले जाए तभी ये संभव है। इस प्रकार हमारे तीर्थंकरों में दो तीन महाराज जो कि उनको बहुत भयंकर उपसर्ग हुआ, महावीर भगवान के बारे में भी उपसर्ग हुआ है, कहाँ? उज्जैन में। किंतु भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, भगवान बनने से पूर्व में होता है। इसलिए सुपार्श्वनाथ को भी हुआ, उनके लिए भी फना का चिन्ह बता दिया गया है। और एक आदिनाथ भगवान के ऊपर ये कौन सा उपसर्ग है? ये प्रकृतिगत उपसर्ग है। छः छः महीने तक, एक वर्ष तक उन्हें आहार का लाभ नहीं मिला है। और आप लोगों को एक बार थोड़े से कमी रह गई तो थाली बाहर आ जाए, आंगन में थाली आ जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया, नमक डालना ही तो मन कर रहे हो ऐसा। तो ये सब हम अपने ऊपर तुलना कर लेना चाहिए, भगवान के पास क्या कमी है। वो कहते हैं हमारे पास कमी कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, उसको उद्घाटित मात्र करना है, मांगना नहीं, किंतु हम अपने शक्ति को, अपने वैभव को उद्घाटित करें, फिर इसके उपरांत उसका दान करते हुए रहें जब तक आयु अंत नहीं होती है।
तब तक इस प्रकार का कार्य वे करते हैं। ऐसे भगवान को याद करने से, वह पार्श्वनाथ भगवान को याद करने से मुख्य रूप से कोई उपसर्ग हुआ है तो लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर ही हुआ है। इसलिए अभी भी चलना जो वो चलता रहेगा, पार्श्वनाथ का नाम ही ऐसा है। श्रेयांसी बहुनि विज्ञाने, उनका यह सूत्र है कि श्रेयांस का अर्थ होता है एक प्रकार से सुख, मुक्ति सुख, और उसमें अवश्य ही विघ्न आएंगे। इस विघ्न को दूर करने से ही वह कर्मघ्न, कर्म शत्रुघ्न बन जाते हैं। आप शत्रुघ्न बनना चाहते हो, बाहर नहीं भीतर बैठे उन शत्रुओं को निकालो बाहर। बहुत दिन से बैठ गए, अब हमारे आसन पर कोई बैठ नहीं सकता। कर्मों को निकाल करके हम धर्मनिष्ठ होकर के बैठ जाएंगे, अविनाश सुख का लाभ मिलेगा। तो यह समोसरण में पार्श्वनाथ भगवान के समान और भी भगवान हुए हैं जो वहाँ के अक्षय को बहुत ही बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरफ से देखते हैं, श्रद्धान करते हैं। जिसको श्रद्धान नहीं है उनके लिए भी श्रद्धान का लाभ हो, ऐसी भावना भी करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल प्रीति सेठी, श्री सुभाष सुमन सेठी, श्री सुशील संध्या सेठी एवं समस्त सेठी परिवार।